जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णलोक धाम पे। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम हैं नंद भवन जी, तो यहाँ से सारा सब कुछ जानेंगे बाबा के थ्रू ही। बाबा जी राधे राधे। जी बाबा जी, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड चीजें आप मुझे बताएं थोड़ा। ये भगवान कृष्ण जी का जिसको बोलते हैं नंद महल जी, यहाँ भगवान कृष्ण जी काली नाग को नाथने के बाद इस जगह भगवान रहे थे, तो यहाँ भगवान का कल्प वृक्ष भी है। ओके। यहाँ भगवान कृष्ण जी ने अपने माता और पिता के लिए सारे तीर्थों को बुलाया। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। सारे तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। और ये 84 कोस जो ब्रज है ना, ये कृष्ण का हृदय है जी। इसको भगवान ने किसी को नहीं दिया, अपने हाथ में रखा। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लीला क्या किया था? काली नाग। काली नाग को नाथने के लिए पाताल गए थे भगवान। पाताल से 3 दिन 3 रात युद्ध किया काली नाग से। काली नाग की पत्नी बोली कि कितना सुंदर बालक है, ये किस लिए आया है यहाँ पे? तो पत्नियां बोली, बालक तुझे क्या चाहिए और किस लिए तू यहाँ आया? भगवान बोले, मैं तेरे नाग को लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान कृष्ण से बोले कि मैं युद्ध करने आया हूँ और जमुना को मुझे शुद्ध करना है। तो 3 दिन 3 रात युद्ध किया भगवान ने। जब महादेव भगवान आए तो माता से क्या मांगा था कि माता 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो भगवान कृष्ण मैया से क्या मांगा था जो माता उनको नहीं दे पाई? कढ़ी और चावल मांगा था। तो माता बोली कि बेटा यहाँ कढ़ी चावल तेरे को नहीं मिलेगा। तो भगवान कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान ने चावल खाया। आज भी भक्त लोग वहां जाते हैं ना, तो चावल का ही प्रसाद मिलता है वहां। उसके बाद गए बद्रीनाथ, 1.25 लाख पहाड़ पे तपस्या किया भगवान ने, मां चना की दाल खाई। यहाँ फिर गए द्वारकापुरी। द्वारका गए तो मांस में क्या खाया? लड्डू और मठरी। और वृंदावन में क्या खाया भगवान ने? माखन। तब चारों धाम करके आए तो मैया से बोले, माता मैं सारे तीर्थ करके आया हूँ। तो भगवान कृष्ण की माँ बोली कि बेटा तू तो सारे तीर्थ करके आया, मुझको भी तीर्थ करा। मेरी भी इच्छा है चारों धाम 84 कोस यात्रा का पुण्य प्राप्ति मुझे मिले, मेरी मुक्ति हो जी। तो भगवान कृष्ण बोले, माता तेरे बस की नहीं है, मैं तुझे कहाँ ले जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं सारे तीर्थ तेरे लिए यहीं बुला देता हूँ। तो माता के कारण भगवान ने यहाँ सारे तीर्थ बुलाए। तो माता से क्या दान करवाया भगवान ने? बोले, माता मैंने तीर्थ तो बुला दिए, तीर्थों का तुझे सम्मान करना पड़ेगा। तो बोले, क्या करूं, हम यहाँ के राजा हैं। बोले, 1.25 लाख गऊ दान कर दे ब्राह्मणों को। तो माता से 1.25 लाख गऊ दान करवाई। किस लिए करवाई? कि मेरा परिवार दोबारा पर मनुष्य जोनी में आवे, उसको 84 में भटकना नहीं पड़े। तो इसके लिए 1.25 लाख गऊ दान करी माता ने। जब माता को थोड़ा शंका हो गया कि बेटा कलयुग में ऐसा समय आवेगा, वो भक्त लोग क्या करेंगे, तो माता से उपाय बताया भगवान ने कि माता मैं 4 जगह गया था, भक्तों ने मुझको 4 भोग लगाए। तो यहाँ भोग इसलिए लगाते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए। जो लोग 4 धाम अपने माता पिता अपने पितृदेव को नहीं करा पाए ना, तो उन माता पिता का भी पुण्य प्राप्ति आपके जरिए से उनको मिल जाता है जी। तो यहाँ भगवान का भोग किस लिए लगाते हैं? खिचड़ी भोग, माखन मिश्री भोग, राज भोग और 56 भोग। यहाँ 4 भोग लगते हैं भगवान के। तो भोग इसलिए लगाते हैं कि हमारे परिवार में कभी दरिद्रता नहीं रहे, तो यहाँ खिचड़ी का भोग लगाते हैं। माखन मिश्री भोग लगाते हैं अपनी मनोकामना के लिए, और राजभोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ भगवान का 3 भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे जो भगवान का हाथ भी है पेड़ में से माखन चोरी का, जो अपनी जसोदा मैया को यहाँ चमत्कार दिखाया, आज भी भक्त लोग अपनी जो भी इच्छा लेके आते हैं उनकी यहाँ मनोइच्छा भी पूरी होती है। इसको एक मनोकामना वाला भी मंदिर बोलते हैं। 4 धाम वृंदावन बिहारी जी के नाम से जो मशहूर है ये मंदिर। यहाँ के 3 मंदिर मैंने बनाए। सबसे पहला निजवन, यहाँ भगवान रास करने आते हैं, माँ मूर्ति नहीं है कोई भी, वो रास लीला की जगह है। दूसरा मंदिर बांके बिहारी जी का है, और तीसरा मंदिर है 4 धाम वृंदावन बिहारी का। 5,000 मंदिरों के बीच में ये 3 मंदिर यहाँ के मैन है।
बोलो राधा रानी की जय। ये सब मनोकामना वालों के हैं। अच्छा, जितने भी आप जी नेम प्लेट देख रहे हो ना, जी जी, ये सब मनोकामना वालों के हैं। तो जो भक्तों की इच्छाएं पूरी की ठाकुर जी ने, यहाँ पे ये अपना परिवार के नाम से लगा के जाते हैं। लालू प्रसाद जी का भी लगा हुआ है, देखो यहाँ मनोकामना इनकी पूरी होती थी, तो लालू प्रसाद जी का भी ये लगा हुआ है, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी। ये कल्प वृक्ष का दर्शन है जी। अच्छा, ये 5,500 साल पुराना वृक्ष है जी। इसी पेड़ में भगवान का देखो माखन चोरी का हाथ है छोटा सा, देखो दर्शन करिए जी। अपनी जसोदा मैया को भगवान ने काली नाग को नापने के बाद में ये दर्शन यहाँ कराया था जी, कल्प वृक्ष के अंदर। अच्छा, एक तो ये हो गया है। इन मंदिरों में सोदारी नहीं मिलेगी आप। हाँ हाँ, ये मंदिरों में सोदारी नहीं है। हाँ, प्राइवेट मंदिर जितने भी होंगे, हाँ, उनमें आपको सब में सोदारी मिलेगी। सोदारी मिलेगा, हाँ जी। ये ब्राह्मण समाज का मंदिर है, यहाँ के जितने ब्राह्मण है ना जी। ये कालिया नाग है, यहाँ भगवान कृष्ण ने इसको मारा नहीं था, युद्ध करके लाए। जो इनके साथ में पत्नियां खड़ी है ना दोनों साइड में, अच्छा, इन्होंने प्रार्थना किया था प्रभु इनको मारना नहीं, क्योंकि आप इनको मारोगे तो हम विधवा हो जाएंगे। तो भगवान ने उसको मारा नहीं है, उसको आशीर्वाद दिया है खड़े होकर के। आशीर्वाद देने के बाद उसको रमण द्वीप भेज दिया यहाँ। अच्छा, बोले मैं जमुना को चौंक किया भगवान ने कालीनाथ को कि राजा कंस ने 1,25,000,000 नील कमल के फूल मंगाए थे। पहले जमुना में बहुत होते थे, अब तो दिखाई नहीं देते। तो राजा कंस बोला कि नील कमल के फूल लाएगा कौन। नारद जी बोले कि आप एक पत्र लिख के भेजो। जब पत्र लिख के उन्होंने भेजा तो नारद जी के जरिए से भगवान ने ये लीला किया था कालीनाग का। तो यहाँ से 1,25,000,000 कमल के फूल राजा कंस को भगवान कृष्ण ने मथुरा भेजे थे और कालीनाग का उद्धार किया था, और इसको मतलब जी है यमुना को शुद्ध किया था। यमुना विषैली हो गई थी ना जी, तो इसके कारण भगवान ने जी कालीनाग का लीला किया। हाँ, ये प्रथम लीला कालीनाग की है। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पे। गोपियों के कपड़े चुराए थे। अच्छा, भगवान ने गोपियों को ये ज्ञान दिया था कि नग्न स्नान नहीं करो। गोपियां नहीं मानी, भगवान कपड़े लेके इस पेड़ पे बैठ गए जो आज भी बैठे हुए हैं सामने। अच्छा, तो भगवान, हाँ, तो वे गोपियों ने प्रार्थना किया भगवान से कि हे प्रभु हमारे कपड़े दो। तो भगवान कृष्ण बोले कि आप जल से बाहर आओ। तो बोले जल से बाहर कैसे आम है, नहीं आएगा कोई नहीं आएगा, चिंता न करो। तो बोले जल से बाहर कैसे आम है, तो बोले कि हम तो नग्न में हैं। तो बोले ऊपर में सूर्य नारायण है, जल के राजा वरुण देव है, आप इनके सामने जल में नग्न स्नान कर रही हो, अपराध कर रही हो, अपने सत्यत्व को नष्ट कर रही हो, मुझे वचन दो आज के बाद मैं जल में नग्न स्नान, चाहे घर हो चाहे बाहर हो चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, कहीं पे नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया, तभी से माता बहने यहाँ वस्त्र दान करती है जी। माता बहनों का विशेष तीर्थ है जी, चीरघाट कदम का पेड़ इसको बोलते हैं। 6,000 साल पुराना पेड़ है जी, कदम का पेड़। अच्छा, और ये भगवान के दर्शन है।
गुफा में देख रहे हो ना, हाँ? गोपियां जो नहा रही थी, हाँ, हाँ। ये लीला भगवान ने यहाँ पे किया था जी। अब चलेंगे हम बंसी भट्ट का दर्शन करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बंसी भट्ट का गेट है? हाँ जी, बंसी भट्ट का गेट है, यहाँ से लिख लेंगे बंसी भट्ट जी। ये वंशी वट है, कहते हैं ना कि वृंदावन सा बन नहीं, नंदगांव सा गांव, और वंशी वट सा वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तो भगवान कृष्ण जी ने 16,000 गोपियों को जिस समय महाराज किया था तो इसी पेड़ के नीचे बुलाया था भगवान ने। और ये जमुना किनारे पे आप खड़े हुए हो तो इसका नाम है गोविंद घाट, काली दे बोलते हैं वंशी वट। तो यहाँ भगवान ने महाराज लीला करके इन गोपियों की यह मनोच्छा पूरी करी थी। ये 5,500 साल पुराना वंशी वट का पेड़ है, ये सामने दिख रहे हैं दीवार। ये गेट है श्री श्री जी महाराज राजेश्वरी जी का, और अभी तो ये बंद हो गया है, एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया है। तो वृक्ष के दर्शन मैंने जैसे आपको कराया है, सेवा कुंज भी इधर ही है, और अभी तो सब बंद हुआ पड़ा है, फिर हम आपको दर्शन कराते रहेंगे ऐसे ही, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अभी हम लोग प्राचीन मीराबाई मंदिर चल रहे हैं। मीराबाई मंदिर बोलते हैं इसको जी, यहाँ मीराबाई के तौर से आकर के यहाँ रही थी। अच्छा, अच्छा। जी, मीरा जी का रहने की जगह है, इसको बोलते हैं मीराबाई कुटिया जी, मीरा जी की कुटिया जी, यहाँ भजन किया था, साधना की थी जी, जी मीरा जी का मंदिर है। यहाँ मीरा जी ने यहाँ भजन साधना किया था। अच्छा, मीरा जी का यहाँ फोटो भी लगा हुआ है, ओरिजिनल दिखाता हूँ आपको। और यहाँ उन्होंने भजन साधना किया था, और जो आज मीरा जी के भजन गाते हैं ना, तो आज भी इसके नाम से जो 2,000 माता भजन करती हैं विधवा, तो वो भी भजन आज भी चालू है, बंद नहीं रहता है यहाँ पे। तो जी मीरा जी का कुटिया बोलते हैं इसको। और ये मीरा जी के साक्षात दर्शन। हाँ, मेरा सोचा काम हमेशा बनेगा, हमेशा भंडार भरेंगे भोले बाबा, जय भोलेनाथ की। अगर आप देख रहे हैं ना जी, इसको बोलते हैं शाह बिहारी लाल जी का मंदिर। अच्छा, ये लखनऊ के सेठ शाह बिहारी लाल, इनके कोई लड़का नहीं था, ये वृंदावन आए 55 साल की अवस्था में, इनको ठाकुर जी ने दो लड़का दिया, लड़के के नाम से ये मंदिर बनाया उन्होंने। इनका जो परिवार था पूरा जमीन के अंदर में फोटो लगाया हुआ है। इस मंदिर को बना के इन्होंने अवमान नहीं किया, इनका जो मुनीम था धर्म में खोटा बोला कि ये लाल पत्थर लगा दिया, आधे में मार्बल लगा दिया, सारा पैसा खा गया, तो भगवान ने भी उसको अंधा कोड़ी कर दिया, उसका भी फोटो जमीन के अंदर में यहाँ लगा हुआ है। तो जिसका नाम है शाह बिहारी लाल का मंदिर, और मशहूर इस नाम से है कि इसके खम्भे टेढ़े हैं मार्बल के, इसके नाम से जी मशहूर है जी मंदिर, दर्शन करेंगे जी। ये टेढ़े खम्भे का जो आप मंदिर देख रहे हैं मार्बल का, ये टेढ़े खम्भे के नाम से मशहूर है ये मंदिर जी। इसी के अंदर में साल में एक बार कमरा खुलता है, जिसको बोलते हैं बसंती कमरा। हमारे यहाँ पे कल से बसंत ऋतु शुरू हो गया, बसंत ऋतु में ठाकुर जी इस बसंती कमरे में आके यहाँ विराजते हैं, साल में एक बार खुलता है। अच्छा, हाँ जी, ये नखलो वाला सेठ का मंदिर है शाह बिहारी लाल का मंदिर। अच्छा, और टेढ़े खम्भे के नाम से मशहूर है जी मंदिर। टेढ़े खम्भे वो है सामने? हाँ जी, मार्बल के जो देख रहे हो ना। हाँ जी, ये है टेढ़े खम्भे। Gracias.
राधा रानी का जब भगवान ने महाराज किया था तो राधा रानी यहाँ थक गई थी और भगवान से नाराज हो गई थी, तो भगवान कृष्ण जी ने राधा रानी का चरण सेवा करके उनको मनाया। जिस समय महाराज किया था किस लिए किया था, कामदेव को परास्त करने के लिए। कामदेव को घमंड हो गया था तो नारद जी को पकड़ लिया, तो नारद भगवान बोले भाई मैं तेरे से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरे को योद्धा बताता हूँ। तो भगवान कृष्ण जी ने को नारद जी ने कृष्ण के पास भेज दिया। तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई दो प्रकार के युद्ध करता हूँ मैं, एक मैदान का होता है एक किले का होता है, तू कौन सा युद्ध करना चाहता है वो मुझे बताओ। तो कामदेव बोला महाराज मैंने किले के युद्ध तो बहुत किए, फिर मैंने मैदान का युद्ध नहीं देखा है, वो कैसा युद्ध होता है वो बताना। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि शरद पूनो पे मैं महाराज लीला करूंगा, उस समय तुझको आना है। तो भगवान कृष्ण जी बंसी वट पे पेड़ के ऊपर में बैठ के बंसी बजाई, गोपियों को इकट्ठा किया, तो राधा रानी से प्रार्थना करी कि हे राधा रानी मेरी रक्षा करना, मैं 16,000 गोपियों के बीच में महाराज लीला करने जा रहा हूँ, मेरा मन चलायमान नहीं होना चाहिए। तो राधा रानी का भगवान ने स्वयं चरण दबा करके राधा रानी से प्रार्थना करके, क्योंकि राधा रानी को भगवान ने शक्ति माना है। राधा रानी कौन है, 64 कला अवतार में थी, भगवान कृष्ण जी 16 कला अवतार के थे और राम जी 12 कला अवतार के थे। तो भगवान ने राधा रानी को शक्ति मान के उनका चरण सेवा करके तो कामदेव पे विजय पाई थी। तो भगवान ने जो महाराज किया था इसके लिए किया था। तो सेवा कुंज नाम क्यों पड़ा कि राधा रानी थक गई थी तो भगवान ने माँ चरण दबा करके राधा रानी को मनाया था, तो उसका नाम पड़ गया सेवा कुंज वन। यहाँ भगवान ने जो लीला किया, बांके बिहारी जी स्वामी हरिदास के ठाकुर हैं। हरिदास जी कौन थे, ललता सखी, द्वापुर में थी ललता सखी, कलयुग में स्वामी हरिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने साधना किया, साधना करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया। जो आज वृंदावन देख रहे हो तो ये वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं, ये वृंदावन बिहारी जी के नाम से मशहूर है वृंदावन। और वृंदावन किसने बसाया, चैतन्य महाप्रभु जी ने। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जी आए, उसके बाद में जीव गोस्वामी जी आए, स्वामी हरदास जी आए, इन तीन संतों ने वृंदावन का प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु ने सारे जगह की खोज की, कहाँ कालीदेह है, कहाँ चीरघाट है, कहाँ निधवन है, कहाँ सेवा कुंज है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन को बसाया। तो आज वृंदावन में 5,500 मंदिर ये बांके बिहारी जी के नाम से मशहूर है। अच्छा। ये 16,108 गोपी रूप है, इसको बोलते हैं पन तुलसी, ब्रज भाषा में इसको बोलते हैं पीलू, इसमें सफेद सफेद फूल आता है। सारे वृक्ष आपको एक दूसरे में जुड़े हुए मिलेंगे राधा और कृष्ण के भाव से। इस जगह भगवान कृष्ण आज भी रात को डेली आते हैं। यहाँ जो मेन दर्शन होता है भगवान का, उसी से मालूम पड़ता है कि यहाँ भगवान आए थे। दांतों, पान और लड्डू, ये भगवान का यहाँ मेन दर्शन है। सुबह 6:30 बजे होता है, दांतों करा हुआ, लड्डू फूटा हुआ, पान चबा हुआ, ये चिन्ह आपको सुबह मिलते हैं भगवान के। जहाँ भगवान सोने आते हैं रंग महल, और उसके अंदर 7 ताले लगते हैं, 7 तालों के भीतर में कन्हैया जी विश्राम करते हैं। भगवान कृष्ण चारों धाम घूम के, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, चारों धाम घूम के रात को यहाँ सोने के लिए आते हैं। ये भगवान का यहाँ सोने का जगह है, इसका नाम है असली निधुवन राज, निधि माने खजाना, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ से प्रकट हुए। जो वृंदावन बताए वो इसी के नाम से बताए। वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन माने जंगल।
अच्छा। तो भगवान कृष्ण आज भी इस जंगल में नित्य विहार करने के लिए रोज आते हैं। आदि के रूप में पुरुष या महिला जीव कट भी हो सकते हैं। धन्यवाद। राधे 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 नाम भजले तू राधे राधे।